ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और जीवन भर सादगी के प्रतीक रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय के एक शिक्षक परिवार में हुआ था। वे श्री शारदा प्रसाद और श्रीमती राम दुलारी देवी के तीन पुत्रों में से दूसरी संतान थे। शास्त्री जी के शैशव में ही उनके पिता का निधन हो गया। 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्मदिवस के दिन जन्म लेने का संयोग तो था ही, लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व भी गांधीवादी था। स्नातक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे देश सेवा के कार्यों से जुड़ गए और अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले शास्त्री जी आजादी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देहावसान हो जाने के बाद शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को देश की बागडोर संभाली। वे ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने जब राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज थीं। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमा पर नजर गड़ाए बैठे थे, वहीं देश के सामने आर्थिक समस्याएं भी सर उठा रही थीं। शास्त्री जी ने इन चुनौतियों का बखूबी सामना किया। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और बुलंदी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 11 जनवरी 1966 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। 1966 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धा पूर्वक याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़।